इसका गला काटा गया है। किससे? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं एंटोन एंड्रेविच, तुम्हें ही ढूंढना होगा। देखिए ये क्या है, बताइए ना। नक्शा लगता है किसी ने उसे दिया होगा, जैसे जासूसी किताबों में होता है। खैर तुमने तो पढ़ा ही होगा। एक काला निशान उन्होंने उसे आगाह करने के लिए भेजा और उसे मार दिया। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। वैसे सुबह इतनी अच्छी नहीं है। जानते हो हर मिनट धरती पे 8 लोग पैदा होते हैं और 5 लोग मरते हैं, तो कह सकते हैं कि आज का दिन अच्छा है। कौन है ये? हम नहीं जानते। क्या आप इससे पहले कभी मिले हो? नहीं। नेचुरल डेथ है क्या? लगता तो नहीं। लगभग कब हुआ होगा? मेरे ख्याल से कल रात के वक्त, अभी तो बस अंदाजा लगा सकता हूँ। कौन हो तुम? उसने मुझे मार दिया। उसने मुझे मार दिया। उसने मुझे मार दिया। उसने मुझे मार दिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे कत्ल हुआ है? इसका गला काटा गया है। हमें यहाँ इसकी जेब में एक वार्निंग मार्क मिला है, ये देखिए। ये आदमी पोलैंड का है। ये कैसे पता चला आपको? बाद में बताऊंगा। तुम एक काम करो, तुम जाकर शहर में ढूंढो कि पोलैंड के लोग कहाँ रहते हैं और उनसे मिलो एंटोन। चलो, अब हमारा काम नहीं। मुझे याको प्लैटनविच से कुछ बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं अभी आती हूँ। जेंटलमैन। तुम्हें कुछ बात करनी है क्या? मुझे ऐसा लगता है इसमें नीना का हाथ है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? महसूस हो रहा है। डॉक्टर, कहिए कि लाश को ले जाएं। एक काम करो एंटोन, घर के आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करो, खासकर धोबी और पड़ोसी से। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। वैसे याकूब प्लैटनविच, ख्याल रहे कि इसके जूते में मिट्टी लगी हुई है। सिर्फ मिट्टी नहीं लगी है। अगर सच कहूँ तो 12 मास होने वाला एक पौधा है जो पैर में लगा है, तो मेरा ख्याल है कि
मरने वाला यहाँ तक पहुँचने से पहले किसी जंगल से गुजरा होगा, वहीं पर ये पौधे होते हैं, देखिए। हाँ बिल्कुल, वो पौधों के आसपास होगा। एक काम करो एंटोन, गेस्ट हाउस चेक करो, चलो। तुम कहाँ जा रही हो? वॉक करने, स्टुलमन से मिलने। आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने तुम्हें उससे बात करते देखा था। तो क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी का खून होता है तुम उससे मिलने जरूर जाती हो, तुम्हारे बिना वो काम नहीं कर सकता। मॉम आप क्या कहना चाहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हमेशा सफाई क्यों देनी पड़ती है? एना, मुझे तुम्हारा उस आदमी से मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा उस आदमी से कोई रिलेशन नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती है मॉम। मुझे यकीन नहीं है, तुम कहती हो तुम उससे बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही किसी की लाश मिलती है तुम मक्खी की तरह उस पर भिनभिनाने लगती हो। क्यों? आखिर क्यों? बताओ मुझे। माशा बस भी करो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो मारिया तिमोफीवना। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। एना, मगर सच में तुम उससे मिलने नहीं जा रही हो, है ना? मैं कन्यास के घर जा रही हूँ, और वो भी एलिस से मिलने, और वो एलिस भी, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ये ऐसा लग रहा है ये घर नहीं है। आप सबकी बातों से ये लग रहा है कि कोई सीबीआई का टॉर्चर चैंबर है। संभाल के बात करो पियोत्रो, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम इसी टॉर्चर चैंबर में रहते हो। माशा 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 माशा, हर वक्त यही सुनाई देता है कि माशा माशा माशा, कुछ और भी तो बोल सकते हो तुम। अब शांति हो जाओ प्लीज। है ना रुको, देखो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। न्याज ने उस दिन मुझे भी न्योता दिया था एक पड़ोसी की हैसियत से, तो मैंने सोचा कि। क्या सोचा? आपको भी डर है मैं स्टॉलमैन से मिलने जा रही हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। तुम एक अडल्ट हो, तुम जिससे चाहो मिल सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है, सिंपल। लेकिन अभी तुम स्टॉलमैन से ही मिलने जा रही हो ना? ओह हद है। ये मैं कोई बिना वजह नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने वहां कुछ देखा था ना? उन्हें मेरोनों के घर के करीब लाश मिली, वो वहां कैसे पहुंचा? हमला होने के बाद वो कुछ दूर चलकर गया और फिर वहीं गिर गया, पर मैं कुछ देख नहीं पाया, अंधेरा ज्यादा था। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें तो काफी तजुर्बा है। वो चार लोग थे और वो दोनों तरफ से चलती गाड़ी में चढ़ गए। दो लोगों ने उसी वक्त मुझे गाड़ी से नीचे फेंक दिया और दो गाड़ी लेकर चले गए। उस वक्त नीना आरका देविना गाड़ी के अंदर ही थी, वैसे वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाए होंगे। ढूंढो उसे, शहर जाओ और लोगों से बात करो, गुंडों को पैसे देकर करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझ तक नहीं आना चाहिए। मैं समझ गया। मिस निजिंस्किया अंदर हैं क्या? पता नहीं, मैंने आज उन्हें सुबह से नहीं देखा। क्या आपने मिस निजिंस्किया को देखा था? जी हाँ, कल देखा था। क्या कल रात से पहले? नहीं, उससे पहले नहीं देखा था। क्या वो अपने कमरे से बाहर निकली थी? जी हाँ। अकेली? अकेली ही। ओके, थैंक यू।
मिस्टर स्टॉलमैन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिस्टर ब्राउन। आप यहाँ नीना आर्का डेविना से मिलने आए हैं? हाँ, मगर वो यहाँ पर है नहीं। मैं भी यहाँ उनका आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। हमारी मुलाकात तय हुई थी। शायद वो देर से आएंगी। मैं उनके लिए एक किताब लाया था। दरअसल मैं यहाँ इस शहर में कभी कभी ही आता हूँ। ये मेरी केमिस्ट्री की किताब है। मैं ये लिखता हूँ ताकि सभी को केमिस्ट्री पसंद आए। दरअसल ये विषय ही कुछ ऐसा है कि करना पड़ता है। मतलब नीना को केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है? हाँ जी, बहुत ही ज्यादा। और शायद इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों पहले ये किताब मुझसे मांगी थी। क्या वो आपसे कुछ लेसन भी लेने वाली है? हाँ, लेसन। मैं उसे बहुत जल्द ही लेसन देने वाला हूँ। तब तो काफी मजा आने वाला है। वैसे ये किताब आप रिसेप्शनिस्ट को दे दीजिए। थैंक यू। आज उसे जाने दो, मैं तुमसे सेफ हाउस में मिलता हूँ। यस सर। प्योत्र इवानोविच, एना विक्टरोवना, आपसे मिलकर खुशी हुई। किरिल व्लादिमिरोविच, देखिए आपने मुझे बुलावा भेजा और मैं आपका मान रखने के लिए चला आया। बहुत ही अच्छा किया आपने। मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर करता हूँ। सिगार? सिगार चलेगी, सिगार को मैं मना नहीं कर सकता। तुम इस हैट में बहुत सुंदर लग रही हो, साथ में जाम भी हो जाए। सुबह पहले? क्यों नहीं, तो फिर मैं मना नहीं करूं। बिल्कुल, सुबह जाम का मजा ही कुछ और है और सेहत के लिए अच्छा भी रहता है। तो फिर हो जाए हमारी सेहत के नाम। सेहत के नाम। तो मिरोनोव फैमिली का क्या हाल है? फैमिली का? फैमिली में तो सब ठीक ही है, सब अच्छे हैं। किरिल व्लादिमिरोविच, आप नीना आर्कादियेवना से आखिरी बार कब मिले थे? कल ही, वो मुझे कल यहाँ मिलने आई थी। सच कहूँ तो मुझे फिक्र हो रही है, उनकी जान खतरे में है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे घर के बाहर एक आदमी की लाश मिली है और मैंने कुछ देखा भी है। मुझे लगता है आपको उनके होटल पर किसी को भेजना चाहिए। मैंने पहले ही भेज दिया है, मुझे लगता है कि वो ठीक ही है। ओह, थैंक यू फॉर दैट। इसमें थैंक यू की क्या बात है? एना, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अंकल। प्योत्र इवानोविच, माफ करना, हेल्प योरसेल्फ प्लीज। अब बताओ तुमने दरअसल क्या देखा है ना? मैंने देखा कि उस आदमी की मौत के वक्त नीना आर्कादियेवना उसके पास थी, उसके करीब थी वो। मुझे तुमसे ये बात कह देनी चाहिए कि कल जब नीना आर्कादियेवना मेरे घर से निकली तब उस पर हमला हुआ था। उसे कुछ लोग उठा ले गए थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब वो कहाँ है। ओ नहीं। मैंने ये बात तुम्हारे अंकल के सामने नहीं कही, प्लीज बुरा मत मानना। नहीं रुके, हमें कुछ करना होगा, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। ये बहुत ही नाजुक मामला है, हमें संभल कर कदम रखना होगा। मगर उसकी जान खतरे में है। हाँ, मगर मैं ये मामला खुद देखना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा वो स्टॉलमैन, मुझे नहीं लगता कि वो उसे ढूंढ पाएगा। पता नहीं अब। एना, मैं यकीन दिलाता हूँ इस काम के लिए मैं काबिल हूँ। ये बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? नीना आर्कादियेवना? हाँ वो जिंदा है, मैं महसूस कर सकती हूँ। गुड, अच्छी बात है।
रुको, मैंने कहा कि रुको। कैसी है वो? हमेशा की तरह। उसने मेरे बारे में पूछा था? वो किसी के बारे में नहीं पूछती, कुछ नहीं पूछती। एलिस, एलिस मैं हूं, एना। एलिस, ओ तुम वहां हो, चलो बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। उठो उठो, अच्छी लड़की हो ना, जल्दी से उठ जाओ, चलो जिद नहीं करते। रहने दीजिए, अगर वो नहीं उठना चाहती है तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बाहर बैठती हूँ। हेलो डियर। कैसी हो तुम? आज मैं पूरे दिन फ्री हूँ, हम पूरा दिन साथ में बिता सकते हैं। पहले हम थोड़ी रशियन सीखेंगे, उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम बाहर घूमने जाएंगे। पता है आज मैं पूरे दिन फ्री क्यों हूँ? मेरे फैमिली से मेरी बहस हुई है। हाँ, कभी कभी वो बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। हाँ एना विक्टोरोवना, आज बहुत परेशान है। हाँ होना भी चाहिए, सुबह सुबह अगर आपको आपकी खिड़की के पास पुलिस को देखना पड़े और उसके बाद एक लाश भी देखनी पड़े तो। मगर एना को लाश देखने की आदत हो चुकी है, जैसे कि मैं जानता हूँ उसे कुछ खतरा दिखाई देता है। हाँ ये सही कहा आपने, लेकिन मौत को देखने का आदि नहीं होना चाहिए। मगर आप मरे हुए लोगों के साथ निरंतर बातें करते हैं फिर भी। हाँ ये आपने सही कहा, मगर ये आम बातचीत नहीं होती है, इसमें बहुत परेशानी होती है और वो भी हर बार। तो सर आपके लिए एक बार फिर से 2 रूबल्स। प्लीज प्लीज। चलिए एक गेम हो जाए, एक एक गेम, बस एक एक गेम। हाँ खुशी से। चलो ठीक है, और हाँ ये एक और आपके लिए, थैंक्स। ठीक है, यू वेलकम। अगर देखा जाए तो एना अपनी काबिलियत का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। वो बीते हुए कल के कई राज मुर्दा लोगों से बातें करके जान सकती है, जैसे कि इवान की आत्मा को पूछ सकती है कि उसने अपनी लाइब्रेरी कहाँ छुपाई है, या किसी मजदूर की आत्मा को पूछ सकती है कि ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, दरख्वास्त अच्छी है आपकी, बहुत ही अच्छी सोच है। लेकिन ऐना को ऐसा लगता है और उसका ऐसा लगना जायज़ भी है कि अपनी बेकार की जिज्ञासा की खातिर किसी भी आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आपका इसमें कोई निजी स्वार्थ है? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। वाह वाह वाह, ये लीजिए 2 और रूबल्स आपके लिए। ओ प्लीज। तो पेत्रो इवानोविच। यस सर। आप यहां वेट कीजिए, सर थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आएंगे। काफी मजेदार चीज है ना, मैं इसे जंगल में पंछियों को देखने के लिए इस्तेमाल करता हूं।
कभी कभी कुछ दिलचस्प चीजें देखने को मिल जाती है। मैं मुद्दे की बात करता हूँ आपसे। आप जानते हैं कि मिस निजिंस्किया इस वक्त कहाँ पर है? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उनका किडनैप हुआ हो। मुझे तो यकीनन पता है कि उसका किडनैप हुआ है। आपको पता है? करीब 12 बजे नीना अर्काडेवना मेरे घर से निकली थी होटल जाने के लिए। मेरा एक आदमी उसके साथ था और मेरे गेट के बाहर ही कुछ अनजान लोगों ने उस पर हमला किया और उसे उठा ले गए। लेकिन आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? चाहता था। मैं सुबह से आपका ही इंतजार कर रहा था याकूब प्लेटोनोविच। मुझे लगा जब आपको लाश मिल जाएगी आप खुद ही आ जाएंगे। देखिए, मुझे उस आदमी से बात करनी है जो आखिरी वक्त नीना अर्काडेवना के साथ था। मुझे डर है ये मुमकिन नहीं है। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, वो शहर छोड़कर जा चुका है। और वैसे भी वो आपको क्या बताता, उसने किडनैपर्स को ठीक से देखा नहीं था। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। क्या आप इसे पहचानते हैं? मैं नहीं। ये है क्या? ये मरने वाली की जेब से मिला था और मुझे शक है कि इसे आपके आदमी ने ही मारा है। नहीं, नहीं नहीं, उसने किसी को नहीं मारा। आपको और कुछ पूछना बाकी है? नहीं, लेकिन मैं यहां पर दोबारा आऊंगा। और हां, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस केस में आप मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल। और आपने ये भी नहीं पूछा कि मुझे उसके अपहरण की वजह मालूम है या नहीं। क्या आपको वजह मालूम है? नहीं, मगर आपने मुझसे नहीं पूछा ये देखकर लगता है कि शायद आपको मालूम है। और वो निशान कौन सा था याकूब लैटोनोविच जो आपको मिला था? एना विक्टोरोना, हाँ। नीना का किडनैप हुआ है ये बात हम लोगों ने कंफर्म कर ली है एना। तुम अपना ख्याल रखना। मेरा इससे क्या लेना देना? तुम यहाँ अक्सर आती हो ना, इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम कन्यास से दूर ही रहना। याकूब प्लेटोनोविच, तुम जानते हो ना मैं यहाँ कन्यास के लिए नहीं आती हूँ। हाँ पता है मुझे। कैसी है वो? कोई चेंज नहीं है, पर मुझे लगता है वो मेरी बात सुनती है। क्या वो भी उससे अक्सर बात करता है ना? मेरे अलावा कोई भी उससे बात नहीं करता, मगर कन्यास ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तुम जल्दी में हो? नहीं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। गुड बाय। मैं पुलिस हूँ। क्या आपके यहाँ पोलैंड के लोग ठहरे हुए हैं? थे सर, लेकिन वो चले गए। कब चले गए? आज सुबह। अच्छा, कितने लोग थे? 5। कल 5 लोग आए थे और आज 4 लोग खाली कर गए। ये क्या मतलब है? कल रात 5 लोग बाहर गए थे, 4 ही वापस आए, 1 वापस नहीं आया। वो 4 आज चले गए। ओके, थैंक यू। लेकिन 5वें का सामान वो साथ में ले गए। 5वें आदमी का नाम क्या था? एक मिनट, वो कमरा नंबर 15 में रुके हुए थे। मिल गया, ये रहा, जैक कप्लिंस्की, ऐसे उसने साइन किया था। यासे कप्लिंस्की। क्या आपने उसका पासपोर्ट चेक किया था? हमारे यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है सर, लोग जो कहते हैं हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत गलत हो रहा है ये सब। पोलैंड से 5 लोग शहर में आए थे, उन्होंने कमरे भाड़े पर लिए थे जो आज चले गए।
उनमें से एक कल बाहर गया था लेकिन वापस नहीं आया। उसका नाम था यासिक कपलिंस्की। लोकल क्रिमिनल्स तो उन्हें नहीं जानते पर यहाँ उनकी काफी इज्जत है। ये कैसे मुमकिन है? लोग कहते हैं कि वो कोई वॉरसॉ ग्रुप का है। नाम क्या है? कोई छोटा मोटा है, नाम नहीं मालूम। लोग आपस में बातें कर रहे थे, शायद पोल्स होंगे। मैंने ये पहले भी देखा है, वो ऐसे निशान का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड पे निशान का मतलब है कि ये उनकी वार्निंग है। मुझे भी वार्निंग मिली है। तुम्हारे पास ये कैसे आया? मुझे ये मेरी जेब से मिला सर। ऐसा लगता है जब मैं उस होटल से बाहर निकला तब किसी ने मेरी जेब में डाल दिया था। ये उनका ही काम है। तो अब क्या करें सर? क्या ये मेरे लिए वार्निंग थी? नहीं, मेरे लिए वार्निंग है एंटोन एंड्रेविच। ये सब कुछ एना विक्टोरोना के लिए किया जा रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसका संबंध नीना से भी है। उन्हें निजंस क्या क्यों चाहिए? वो लोग तो मर्डर के बारे में भी बातें कर रहे थे। बहुत सारी अफवाहें हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है मैडम, मिरोनोवा कहाँ है? अच्छा, मेरे कॉल का इंतजार करना। मुझे मेरा कोट दो और एना विक्टोरोना को यहाँ आने के लिए कहो। याकूब प्लातिनोविच तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे, तुम्हें याद है ना वो कौन है? ओह, काश वो कभी मेरा भी हाल चाल पूछते। कितना आसान है ये। एना कैसी हो? मगर कभी नहीं पूछते। नहीं, मगर उन्हें मेरी फिक्र बहुत होती है, मैं जानती हूँ। लेकिन ये तो उनका काम है। वो कन्यास के बारे में भी पूछ रहे थे। याकूब प्लातिनोविच को उस पर शक है और वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। बहुत अजीब है वो। क्या हुआ? मेरे अंकल कहाँ है? वो मुझसे 10 रूबल जीत गए और फिर जल्दी में निकल गए। हमें विक्टिम का नाम पता चल गया है। उसका नाम याक्सिक कपलिंस्की था। वो पोलैंड वाला याक्सिक कपलिंस्की। देखो प्लीज, नीना को ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। याक्सिक कपलिंस्की सामने आओ। याक्सिक कपलिंस्की सामने आओ। याक, मुझे जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए था। मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। उसने मुझे वो जंगल दिखाया। उसने मुझे वो जंगल दिखाया और एक झोपड़ी भी दिखाई। और एक झोपड़ी भी। उसने मुझे वो जंगल दिखाया और एक झोपड़ी, जैसे जैसे किसी जंगल के रखवाले का घर हो। काफी पुराना, छत पे मोस जमा हुआ। नीना को उन्होंने वही रखा होगा। मैं किसी को वो जगह ढूंढने के लिए भेजता हूँ। आपको पुलिस को खबर करनी चाहिए। कर दूंगा। थैंक यू। बैठे रहिए। नेजिंस्की और ब्राउन का चक्कर आखिर कब से चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो लोग तो एक दूसरे से मिले भी नहीं जब से वो तुम्हें आखिरी बार मिले थे। मुझे मिस्टर ब्राउन के होटल रूम से कुछ खत मिले हैं। क्या हम वो खत पढ़ नहीं पाएंगे? पिछले कुछ दिनों से वो किससे मिल रही थी मुझे ये बताओ। सिर्फ कन्याज, और कन्याज अपना घर छोड़कर नहीं गया। तो कोई नया आदमी नहीं था?
नहीं सर। क्या मतलब है नहीं सर? निजिंस किया गायब है, पिछली रात तुम कहां पर थे? न्यास के घर से पहरा किसके कहने पे हटाया तुमने? सर वो तो आपने ही कहा था कि वो न्यास के घर के आसपास ना रहे और उस इंग्लिश मैन पर ज्यादा नजर रखे, तो उसने ऐसा किया। ठीक है, न्यास पर कड़ी नजर रखना और तुम निजिंस्किया को ढूंढने की कोशिश करो। ये रहा वो कार्ड जो मुझे लाश के पास से मिला था, ग्रोचोस्की शहर में ही है। क्या ये जरूरी है? वर्षा ग्रुप का बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो। तुम एक काम करो, न्यास के घर पर जाओ और एना विक्टोरोना की भी रखवाली करने का काम तुम्हें ही करना है। एना विक्टर, हर समय उसके साथ रहो तुम। ठीक है सर। और तुम पोलैंड के लोगों को शहर में ढूंढो, हो सकता है कि हमें कोई क्लू मिले जो हमें निजिंस्किया तक पहुंचा सके। देख क्या रहे हो, काम पर लगो। नक्शा चाहिए, एरिया आर्मी का नक्शा, जहां पत्ते गिरते हो और मिट्टी बिछी हो, हमें वहां तलाश करना होगा। वो लोग मिलिट्री गैरिसन हेडक्वार्टर से नक्शा ला रहे हैं। अच्छी बात है, पर उन्हें अभी तक यहां पर आ जाना चाहिए था। मेरी गलती है। ये बताओ जेंटलमैन, किसने मजेस्टी की मेड ऑफ ऑनर को किडनैप किया है? मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए हर हाल में। हमें इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है सर, मगर जांच तो जारी है सर। हमने वो जगह पता लगा ली है जहां से उसे उठाया गया था। वो जगह? मुझे लगा तुम वो जगह बताओगे जहां उसे रखा गया है, पर बकवास। शहर के आसपास किसी बिल्डिंग या खंडहर में उसे रखा गया होगा, या फिर हो सकता है कि जहां पर शहर की सीमा खत्म होती हो और जंगल शुरू होता हो। लुनारिया रेडी वीवा। क्या वहां ऐसा जंगल है? क्या तुम यकीन के साथ ये कह सकते हो कि निजिंस्किया अभी जिंदा है? मुझे यकीन है सर। तुम्हें यकीन होने की क्या वजह है? सर मेरी तहकीकात मुझे ऐसा कह रही है। तो ठीक है, मैं खुद इसकी जांच की देखरेख करूंगा और तुम आज रात को ही ऐसी जो भी जगह है उसका नक्शा तैयार करोगे। जी बिल्कुल सर। जहाँ जहाँ भी ऐसे जंगल है मैं खुद ही वहाँ जाकर सर्च करूंगा और तुम यहीं पर काम करोगे। मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूँ उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए और उस जगह का पता लगाने के लिए जहां पर नीना आर्क देवना को उन्होंने कैद करके रखा है। ठीक है सर। बिल्कुल सर। तो ठीक है, मैं जंगल की खुशबू से ही मदहोश हो जाऊंगा। याकोब प्लेटोनोविच, आपने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि किसी पॉलिश आदमी का हाथ है इसमें? क्योंकि अभी तक हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, और दूसरी बात, हम अभी तक किसी आदमी से मिले नहीं हैं। सर आपसे मिलने कोई आया है? एना विक्टोरोना। क्या हुआ? मुझे कहां लेके जा रहे हो? सवाल मत करो, सब पता चल जाएगा। चलो। ऑल गुड, तुम कहां हो? तुम तो डर गए मेरे दोस्त। तुम यहाँ किसे शूट करने वाले हो? तुम्हें सीटी बजानी चाहिए थी ना।
पिंजरा खोलो, तुम्हारे लिए दूसरा पंछी लाया हूँ। विक्टरोना, आ जाओ, आराम से बैठो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बैठो। हमें तो यहाँ ब्लैंकेट भी मिला है, आ जाओ, देख रही हो ना, बैठो। यहाँ पर कुछ लोग पोलिश बोलते हैं सर। देखने और बोलने में फर्क होता है एंटोन। क्या दोनों में कोई फर्क होता है? एक बार किसी को देखोगे तो पता चल जाएगा। नहीं सर, सब यहाँ के ही हैं। लगता है वो लोग जंगल में हैं और सबको वहाँ पर कैद करके रखा गया है। तो फिर हम बेकार में ही सारे बार्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो फिर तुम घर जाओ एंटोन एंड्रोविच। और आप? मैं यहीं पर रुकता हूँ, शायद वो लोग खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएं। क्या सर, आप भी? मैंने कहा ना तुमसे, तुम घर जाओ। आप जानते हैं मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकता। वहां देखिए। कहाँ? कॉर्नर में। इसी आदमी ने मेरी जेब में कार्ड डाला था जो मुझसे टकराया था। ये वही है? मुझे अच्छी तरह से याद है सर। एंटोन एंड्रोविच, क्या तुम उस लड़की से अभी मिलते हो? लड़की सर? हाँ, लड़की। ओ हाँ हाँ, अभी हाल ही में हमने साथ में मिलके पियानो बजाया। ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और इस हालत में वो कब से है? आज सुबह से। ऐसा पहले भी किया है ना उसने? हाँ, लेकिन इस बार तो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं समझ सकती हूँ क्यों। मैं खुद सहम जाती हूँ जब उस हादसे के बारे में सोचती हूँ। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? अगर तुम बेड के नीचे ही रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हें देखना नहीं है, मैं बहुत ही अच्छी चीज लाया हूं। और देखो, तुम्हें कुछ जानने की भी पड़ी नहीं है। ये लड़की के बारे में किताब है, उस लड़की का नाम है एलिस। तो सुनो, एलिस नदी के किनारे बैठी थी और उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। कभी कभी वो किताब में झांक लिया करती थी, मगर उसमें कोई भी पिक्चर नहीं थी। और अब मैंने किताब बंद कर दी है, जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। बढ़िया, कैसी हो तुम? एना कैसी है? एना को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है उसे ढूंढ लिया जाएगा। एना की फिक्र हो रही है, वो कहाँ है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नींद की गोली लिख देता हूँ।
फिक्र हो रही है, वो दुश्मन है। ऐना का दुश्मन? यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं वो है। वो दुश्मन है, सबका दुश्मन, न्याज दुश्मन है। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, न्याज दुश्मन नहीं है, न्याज तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, मेरा यकीन करो। वो मेरी दोस्त है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। न्याज ने ऐना को किडनैप किया है, न्याज ने मेरे पिता को किडनैप किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ आखिर ये सब हो क्या रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुमने वो कार्ड मेरी जेब में डाला था, क्वीन ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड, तो क्या मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मुझे अच्छी तरह से याद है याकोब प्लोटोनोविच। कौन सी क्वीन? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता उन्हें। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमने तुम्हारे वर्षाओं की जानकारी के लिए पूछताछ की है, अब तुम्हें काफी समय के लिए यहीं पर रहना होगा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आया था, क्या ये भी गुनाह है? क्यों आए थे तुम यहाँ? यहाँ की खूबसूरती देखने। अच्छा, तो यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि उसके बारे में वर्षाओं में भी बातें होती है ना? बिल्कुल, इस बारे में वॉर्सो के बुजुर्ग ऐसा ही कहते हैं। अगर तुमने ज़टोंस्क नहीं देखा तो तुमने यूरोप नहीं देखा। इसे मजाक सूझ रहा है कमीना, मजाक कर रहा है, मेरी जेब में कार्ड डाल के हमारे सामने बैठकर हंस रहा है ये। तुम्हें वो कार्ड डालने के लिए किसने कहा था बोलो? तुम्हें बताना ही होगा। मुझे क्वीन वाले कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता। काम चल रहा है ना जेंटलमैन? बहुत बढ़िया। ये कौन है? इसने ही मेरी जेब में कार्ड डाला था जैसा क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कबूल नहीं कर रहा है। क्या ये किडनैपिंग का केस है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है इसका कोई हाथ है इसमें। क्या ये कसूरवार है? तभी तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है सर। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं बात करता हूँ। सीधे सीधे बताओगे या मैं कुछ और करूं? कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर हमें अकेले छोड़ दो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मैं तुमसे कुछ भी उगलवा सकता हूं। बोल, बोल, सच बोल, बता, मेरी कोई गलती है? बता, जल्दी बता, बोल जल्दी, बोल सच बोल, बोल, बोल वरना बोलने के लायक नहीं रहेगा, बोल। ये तो पुराना तरीका है सर। बोल, बता, सच बता। सर रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते सर, यहीं रुकिए। रुको। क्या तुम प्लीज बताओगे कि मेरी बेटी कहाँ है? हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी वजह से वो किडनैप। विक्टर इवानोविच प्लीज शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम यहाँ आराम से बैठे हो। तुम्हारा कैप्टन कहाँ है? वो काम में बिजी है। क्या मतलब के काम में है? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते विक्टर। सच बता, बता, बोल वरना बहुत मार खाएगा। बता क्यों नहीं, बोल। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ विक्टर? मुझे शिकायत दर्ज करानी है पुलिस के खिलाफ। आप मेरी केबिन में आइए, वहीं बैठकर बात करते हैं, वहाँ बात करना अच्छा होगा विक्टर। चलिए आइए। मेरी गलती है सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने उन्हें रोका था। बेवकूफ कहीं के, जाओ अपनी जगह पर, जाकर मार्च करो। अब वो बोलने को तैयार है, उसकी अकड़ खत्म हो गई है, तुम लोग अपना काम चालू रखो। चालू रखो। उन्हें कहाँ रखा हुआ है बोलो? सर मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा गया था, मैं नहीं जानता कि वो औरतें कहाँ पर हैं सर। ग्रोचोस्की कहाँ है मुझे बताओ। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हूँ सर। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम वहां जाओगे और कहोगे कि कल दोपहर 12 बजे मैं यार मार चुनाया स्ट्रीट पर ग्रोस्की का इंतजार करूंगा, अगर वो नहीं आया तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और फिर ढूंढ कर उसे मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हें ऐसा बोलना है?
जाने दो इसे। चलो उठो, चलो यहां से।